बेटी को मारने के लिए सुपारी देने वाले बिहार के मठौरा के पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा को पटना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व विधायक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दो कुख्यात शूटरों को अपनी बेटी की हत्या करने के लिए 20 लाख की सुपारी दी थी। विधायक के साथ साथ चार कॉन्ट्रैक्ट किलर की भी गिरफ्तारी हुई। दरअसल विधायक की बेटी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया था, जो पूर्व विधायक को रास नहीं आ रहा था। पटना ईस्ट के एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि सुरेंद्र शर्मा को रविवार को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने ऑनर किलिंग के लिए 20 लाख रुपए का भुगतान किया था। एक विशेष टीम का गठन किया गया था कि जो भी इसमें जो है शूटर है, जो साथी अपराधी है, इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और हम लोग सूचना संकलन कर रहे थे। और इस क्रम में हमारी कई टीम जो है लगातार साथी निवास में जो हम लोग को कुछ गुप्त मतलब एक आसूचना मिली हुई थी कि ये जो शूटर है रामकृष्ण नगर के पास कहीं से फोन लेके वहाँ से घटना को पत्रकार नगर अंजाम दिए थे। और उसके बाद वहाँ पर बीच बीच में छुपके रह रहे थे और वहाँ से फिर बाहर भी निकले थे, तो वहाँ भी हमारी टीम थी। कुछ अन्य जगह भी झारखंड और अन्य जगह भी हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। इसी के तहत एक और दो जुलाई की रात को हम लोगों को एक पहले भी एक सूचना मिली हुई थी इस आई के द्वारा कि इन्हीं सूत्रों के द्वारा किसी पूर्व एक विधायक हैं उनकी बेटी की हत्या करने की भी एक सुपारी दी गई है। तो सिनेधर के द्वारा एक सख्त हिदायत थी कि किसी भी हालत में जो है शूटरों को जल्द से जल्द पकड़ना है और कोई इस संबंध में इनके द्वारा आगे गंभीर घटना घटित न होने पाए। तो उसी के तहत हम लोगों की टीम लगी हुई थी। तो एक और दो की रात को जो है करीब 12 बजे के आसपास जो है बोरिंग रोड चौराहे के पास से एक सूचना मिली कि किसी लड़की जो अपने फैमिली के साथ जो है गंगा पट्टी घूमने के लिए गई थी, लौट रही थी, उसके ऊपर बाइक सवार कुछ अपराधियों ने हमला करने की कोशिश की। तो फिर ये मैसेज वायरल किया गया तो सभी थाना अपना रोड चेकिंग में लग गए और उसके बाद बाईपास थाना बाईपास के पास में जो है पत्रकार नगर थाना अंतर गए थे। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार दो लड़के तेजी से आते हुए दिखे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो उनको देख के वो त्वरित रूप से वहाँ से वापस होने की कोशिश किए जिससे कि उनकी बाइक गिर गई और वहाँ से दोनों की गिरफ्तारी हुई। तो हाँ, ये इसने बताया है कि किस प्रकार 2017 के बाद जो है ये वहाँ पर कई और गुट हैं जो आप लोगों को पता होगा, तो उनकी आपस में दुश्मनी की वजह से फिर ये संजय सिंह का करीबी बना। संजय सिंह ने इसे पनाह दी और उसी के बाद से ये संजय सिंह के मुख्य सूत्र के रूप में काम करता रहा और साथ ही इसी ने जो है कई अन्य जगह से जो है यूपी बिहार में कई अन्य जिलों के साथ साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल से भी कई सूत्रों को लिया था और इसके जो छुपने के ठिकाने भी थे झारखंड, वेस्ट बंगाल और नेपाल में कई जगह ये छिपा था। दोनों घटनाओं के बीच में जल्दी समय था देखिए एमएलसी के बारे में तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। संजय सिंह के लिए जो है खास शूटर हैं और जो चितरंजन पूर्व विधायक अरवल के हैं उनके गिरोह का आपस में जो लड़ाई थी उसी में जो है एक दूसरे की हत्याएं लगातार कर रहे थे। और विधायक जो सुपारी दी जिसका कितना रुपया मिला? हाँ, वो पैसा इसको भाई कुछ इनको पहले पेपर मनी के रूप में मिला हुआ था। कितना? और इसका खुलासा इन्होंने नहीं किया है और वो अभी जाँच उसकी चल रही है। अभिषेक और उसके साथियों के पास से 3 देशी पिस्तौल, कई राउंड गोला बारूद और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।